महाकालेश्वर बाबा की। बाबा नीम करौली की इस पावन स्थली को कोटि कोटि नमन करते हुए सिरसागंज और फिरोजाबाद से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, महापौर श्रीमती कामनी सुरेंद्र राठौर जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री मनीष असीजा जी, प्रेमपाल धनखड़ जी, रामचंद्र प्रधान जी, पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, रामगोपाल पप्पू लोधी जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, शिव सिंह चक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के क्रम में एक बार फिर से मुझे फिरोजाबाद की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तक दो चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं और तीसरे चरण में 7 मई को आपको भी देश के भाग्य के फैसले करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनना है। बहनों और भाइयों, दो चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं, पूरे देश के अंदर अब तक 8 राज्यों में मैं भी गया हूं चुनाव प्रचार के लिए, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है फिर एक बार। थोड़ा जोर से आपकी आवाज जानी चाहिए, मैंने कहा ना आपकी आवाज ऐसी जानी चाहिए सिरसागंज की आवाज की दिल्ली और लखनऊ तक जरूर पहुंचे। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार जनता जनार्दन लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? जो यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा, बघेल जी ने यही बात कही कि भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारा है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, विकास अपना महत्व रखता है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याणकारी योजना भी आवश्यक है, लेकिन सबसे बढ़कर के आपकी सरकार आपकी आस्था का सम्मान करे, यह पहली बार देखने को मिला है। क्या कांग्रेस के लोग, सपा या बसपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या?
राम मंदिर के निर्माण से आपको खुशी हुई? जिन लोगों को खुशी हुई थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएंगे, यानी आप खुश हैं, आप खुश हैं ना? और मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर के मार्ग में सबसे बड़ी रोड़े थे कांग्रेस, सपा और बसपा। तो जो ये बैरियर बने हुए थे, इन्हीं को क्या अपने सिर का ताज बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या भाई, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, आप उसको जबरदस्ती अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। और बहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को सम्मान और आपकी आस्था को सम्मान देने वाली भाजपा की सरकार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा के नेतृत्व की सरकार जो कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। यानी ये औरंगजेब के नए अवतार पैदा हो गए हैं जो कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था ना हिंदुओं पे, क्या आप जजिया कर देंगे क्या स्वतंत्र भारत में? लेकिन ये जजिया कर आपसे वसूली करना चाहते हैं। कमाई आपके बाप दादा करेंगे, आपके पूर्वजों ने कमाया होगा, अब लूटने के लिए कांग्रेस सपा के लोग आएंगे और कहेंगे तो हमारा विरासत टैक्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा? बहन और भाइयों, ये आपके हक पर डकैती है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया, तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे, देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था, सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था।
विकास के कार्य ठप पड़े थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं, देश के दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है, जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है, नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत ही है जिसके तहत मोदी जी ने, देखो इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हट पाई। अब सोचो 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगाए जा रहा है, कह रहा गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे हटाएंगे, एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे कर दूंगा। तो कहा फिर, कहा उसमें से अगर किसी परिवार में 6 लोग होंगे तो उनसे कहेंगे भी तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, बाकी को मैं कांग्रेस के लोगों को आवंटित करवा दूंगा। अब क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मेहनत करेंगे आप, कमाई है आपकी, आपके बाप दादों की, और डकैती डालने का काम ये लोग करेंगे, क्या देश स्वीकार कर पाएगा क्या इसको? यानी जो दादी ने जो नारा दिया, नाती भी उसी नारे को तोते की तरह रट रहा है। और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था तो राहुल जी देश छोड़कर के भाग गए थे, कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़कर के चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में, आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं, अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को LPG का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए, और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण अभी संकल्प पत्र में कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये जितना काम मोदी जी ने किया है क्या चेहरा देख करके दिया है क्या? न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया, मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, इस नए भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आप में से हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य,
हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना, हर हस्तशिल्पी को आत्मनिर्भर बनाना, हर बहन और बेटी को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यापारी के व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, सुरक्षा का और भी बेहतर मॉडल प्रस्तुत कर देना, और यह कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और आवाज आप भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं, जो 500 साल का इंतजार किया हमारे धर्म ने, धैर्य दिखाया, तब जाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। यहां कितने ऐसे बैठे हैं जिनको अक्षत का वरदान मिला।